जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय श्री कृष्णा। अध्यात्म मीडिया की ओर से आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत भाव भरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रेमियों, अध्यात्म मीडिया की ब्रज दर्शन यात्रा में आज की पड़ाव हमारी बंसीवट, प्राचीन स्थान जहां ठाकुर जी ने महाराज किया था। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगाम सो गाम, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। प्यारे हमारे दर्शकों, आपको जान करके भी बहुत हैरानी होगा, आप आश्चर्य करेंगे। आप हमारे ठीक पीछे देख रहे हैं, यह वही वट है, यह वही वट वृक्ष है जिस वट वृक्ष पर भगवान श्री कृष्ण चढ़ते थे, बंसी बजाते थे, अपने गैयाओं को इस वृक्ष के नीचे बुलाते थे। जैसे हमारे अनूप जलोटा जी का एक भजन भी है, चार प्रहर बंसी वट भटक्यो, शान परे घर आयो। चार प्रहर बंसी वट भटक्यो, इसी बंसी वट के आसपास भगवान खेलते थे, कूदते थे, गौचारण की लीला करते थे, और शान परे घर आयो। शाम होते ही ठाकुर जी अपने नंद बाबा यशोदा मैया के निज महल में निवास के लिए चले जाते थे। प्रेमियों, आज भी यहाँ के हमारे संत जी ने बताया है कि इस वृक्ष में अगर आप कान लगाते हैं तो आपको घंटे की आवाज़, मृदंग की आवाज़, शंख की आवाज़ निश्चय सुनाई देती है। और इस स्थान पर बैठकर के गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना बड़ा ही अपने आप में सिद्ध एक पुण्य का कार्य होता है। तो यह स्थान वृंदावन से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर माट गाम से आगे भांडीरवन में ही बंसीवट स्थित है। आप दर्शन करेंगे, मैं आपको विस्तार से दर्शन कराऊंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको शेयर कीजिए, इसको कमेंट्स में आप राधे राधे लिखिए। आज आप दर्शन कर रहे हैं श्री सिद्धपीठ बंसीवट, यह वही बंसीवट वृक्ष है जहाँ ठाकुर जी बंसी बजाते थे। राधे, जय श्री कृष्णा। अध्यात्म मीडिया की ओर से आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेमियों, वृंदावन सो वन नहीं, नंदगाम सो गाम,
बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। आज भी ब्रज में, ब्रज वो जो जंगलों में वास करता है, लीला स्थली वो जो ब्रज देहात क्षेत्रों में वास करता है, जहाँ की धूली चंदन से भी ऊपर, चंदन से भी शीतलता देने वाली वो ब्रजरज है। आइए हम बात करते हैं अपने भक्तों से जो दूर दूर से आते हैं इस ब्रज की धूली को प्राप्त करने के लिए। आज भी ये यहाँ आकर के भगवान के लीला स्थली को नमन करते हैं, दंडवत करते हैं, काश अपने हृदय में ठाकुर जी के छवि को स्थापित करते हैं। हम बंसी बट पर हैं भाई साहब से मैं पूछना चाहूँगा, देखिए जितने भी भक्त हैं ये ग्रुप बना करके, ये ठाकुर जी के भक्त हैं, प्रेमी हैं, दर्शक हैं ब्रज का, और ये बाहर जा कर के हमारे ठाकुर जी के नामों का ब्रज के प्रचार करते हैं, क्योंकि ये समय आ गया है कि धर्म का प्रचार करें, धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो। भाई साहब कहाँ से आए? मुरादाबाद। ये गले में कंठी तुलसी की है। कैसा लगता है ब्रज में आकर के? ब्रज में आकर तो ये लगता है कि शायद किसी नए ग्रह पर पहुंच गए हों। ये तो स्थान पृथ्वी से अलग सा है, पृथ्वी का स्थान है ये, बिल्कुल गोलोक की तरह ही लगता है। गोलोक तो है ही है। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नित्रिय त्रिच। वृंदावन वो भूमि है जहाँ भक्ति भी नृत्य करती है। यहाँ आ करके आपको खुद को कैसा लगता है, अपना व्यक्तिगत हृदय का उद्गार बताएं। हमारी स्थिति तो साहब ऐसी है जैसे किसी घूमे पर फल खिलाया जाए और उससे पूछा जाए कि इसका स्वाद कैसा है, तो केवल महसूस कर सकते हैं, शब्द मेरे पास नहीं है। अत्यंत सुखद अनुभव ब्रज क्षेत्र में आकर होता है। ये सब हमारे ग्रुप हैं और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हरिनाम से जुड़ें, प्रभु से सबकी प्रीति बनी रहे, क्योंकि जब ये हरिनाम करेंगे तो कुछ ना कुछ हमको, हमें को भी मिल जाएगा सहारे से। सबने बहुत अच्छा बात बताया, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म का प्रचार करें, माता बहन भाई जितने भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और ब्रज का प्रचार होना भी चाहिए। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। दिल्ली से? दिल्ली वाले तो ब्रज के बड़ी प्रेमी होते हैं, हमेशा अक्सर आते ही रहते हैं। भगवान जी की असीम अनुकंपा आ गया है। दिल्ली है दिल वालों का, और दिल्ली के लोग ऐसे दिल में बसा कर रखते हैं हमारे ठाकुर जी को। कैसा लगता है यहाँ ब्रज में आकर? अति सुंदर, इसकी परंपरा कहीं नहीं जा सकती है। माता जी आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से आए। वो आपके देखे माता जी के मस्तक पर ब्रजरज भी ठाकुर जी ने चिपका दिया है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यार करती है ठाकुर जी से। कैसा लगता है यहाँ बंसी बट? बहुत आनंद आता है। यहाँ के जो वृक्ष में आवाज़ आती है शंखे की, शंख की, मृदंग की, घंटे की, उस समय की बांसुरी की, क्या आपने ऐसा अनुभव किया? आज आज पहली बार किया है। क्या आवाज़ आया? टन 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 की थोड़ी है। क्या बात है। हाँ आप कहाँ से आए? आपने ऐसा आवाज़ महसूस किया? बहुत अच्छा महसूस हुआ आज मुझे। ब्रज के लिए क्या कहना चाहिए? ब्रज के लिए क्योंकि पता नहीं भगवान की मतलब इसमें अनुकंपा है, पता नहीं क्या चीज़ है कि अंदर से इतनी अच्छी आवाज़ लगी मुझे कि नहीं बता सकती मैं। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, जहाँ डाल डाल अरुपात पात श्री राधे राधे होए। यहाँ के मनुष्य को तो छोड़ो, बंदर को भी तो छोड़ो, यहाँ के तो जो पत्ते हैं ना, ये भी ऋषि मुनि संत हैं जो पूर्व जन्म में अच्छे संस्कार करे और उनकी समाधिस्थ हो गई, उसके बाद ये फिर वृक्ष बन करके और ब्रज में आनंद ले रहे हैं। बने रहिए हमारे सभी भक्तों के साथ, एक बार जयकारा लगाना चाहेंगे ठाकुर। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो आके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा रानी की जय। क्या बात है, ये वृंदावन का नशा है भैया, बार बार मैं बोलता हूँ। यहाँ आने का रास्ता जरूर है, यहाँ से जाने का रास्ता नहीं है, क्योंकि हर पागल खाने का मरीज ठीक हो सकता है, लेकिन वृंदावन के पागल खाने में जो आ गया एक बार वो कभी भी ठीक नहीं होगा, वो तो राधा नाम की मस्ती में पागल होता है। बने रहिए अध्यात्म मीडिया के साथ, बंसी बट से, कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ, मैं कन्हैया पांडे, राधे राधे।